एक 11 साल का लड़का था, हार्मोन डिफिशियंसी नाम की बीमारी थी उसे। इससे होता यह है कि बॉडी के हार्मोन्स में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। अगर ध्यान ना दें, इलाज ना कराएं, तो बॉडी का डेवलपमेंट ही बंद हो जाते हैं, शरीर का विकास ही रुक जाते हैं, और इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा है। तो वो जो लड़का 11 साल का था, उसे हर रोज रात अपने जांघों पे इंजेक्शन लगाना पड़ता था। 7 दिन इस पैर पे, 7 दिन उस पैर पे लगाना पड़ता था, और बहुत दर्द होता था, और 11 साल का लड़का उसे फेस करता था। कुछ टाइम घर वालों ने उस बच्चे का इलाज कराया, लेकिन धीरे धीरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी। इलाज कराने का खर्च नहीं निकाल पा रहे थे। अपने रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि वो 11 साल का लड़का था, वो फुटबॉल लवर था। इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहा था। आपके आसपास में कोई 11 साल का लड़का हो तो उसे देखो और सोचो, क्या उसमें इतनी बुद्धि है? क्या इतनी भयानक बीमारी होने के बाद भी अपने कैरियर पे वो ध्यान दे और अपने कैरियर पे मेहनत करे? मात्र 9 साल में वो ऐसा फुटबॉल प्लेयर था। जब फुटबॉल उसके पास आती थी तो सामने वालों को 15-15 मिनट लग जाते थे उसे फुटबॉल छीनने में। आज वो पूरे वर्ल्ड में सबसे फुटबॉल प्लेयर में बेस्ट है। नाम है मैसी। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई काम करना पसंद है उसे बहुत टाइम तक करो। आप बोलो, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि आपको बाइक चलाना पसंद है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, पर उसमें प्रैक्टिस करते हो, हर बार कुछ नया सीखते हो, तो वो स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर में कुछ करना पसंद है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या कुछ भी। आप किए जा रहे हो, आप कहते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो वो स्ट्रगल नहीं है। आपको कोई गेम खेलना पसंद है और आप उसे बहुत टाइम तक खेलते हो, तो आपके लिए गेम है, स्ट्रगल नहीं। इसी तरह आपको जो पसंद है, अगर आप वही करते हो, वो आपके लिए गेम है जिसमें आपको मजा आ रहा है। जिस काम में आपको मजा आ रहा है, उस काम में आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको बाइक राइडिंग पसंद है, आपको फोटोग्राफी पसंद है, तो वो करते हो तो आपके लिए स्ट्रगल नहीं है, वो एक गेम है, बस गेम है आपके लिए। स्ट्रगल का मतलब है आपको कोई काम पसंद है और आपको लगता है कि अगर आपने इसमें कैरियर बनाना चाहा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। लोगों से मजाक बनेगा वो अलग। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, नेटवर्किंग मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, कॉल सेंटर ट्रेनिंग, ऐसे ही कई तरह की चीजें सीख रहा था और अभी भी सीख रहा हूं। तो मेरे लिए सब सीखना कोई स्ट्रगल नहीं था। मेरे लिए लोगों का मजाक सहना, घर वालों को समझाना कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान कम देकर सबके ताने सुनना, ये मेरा स्ट्रगल था। घर वाले चाह रहे हैं कि आप सीए बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट में कैरियर बनाने के लिए सबसे फाइट किए जा रहे हो, पूरी दुनिया से फाइट किए जा रहे हो। सबके खिलाफ होकर भी अपने इंटरेस्ट के काम में अपना करियर बना रहे हो, वो स्ट्रगल है। लोगों का मजाक बन रहे हो, आपकी इज्जत उड़ रही है, धजिया उड़ा रहे हैं लोग आपकी, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो वो स्ट्रगल है। क्योंकि जो भी काम हम शुरू करते हैं तो लोगों की नजर में वो काम बहुत छोटा होता है, लेकिन एग्जैक्टली में उसमें क्या होने वाला है वो सिर्फ हमें पता होता है। मेरी बात सुनने के बाद जब आप ये करने बैठेंगे कि पूरी दुनिया जब विरोध करेगी, जब मजाक बनेगा, पूरी तरह से समाज कैसे कैसे लोग हैं वो पता लगेगा आपको, तो वो स्ट्रगल है। आपको कोई काम करते हो, उसमें थोड़ा सा सक्सेस हो गया, फिर आप लोगों की बातों में आ गए, फिर उनकी अफवाहों में आकर उस काम को बंद कर दिया, वहां से भाग गए,
उससे डर गए तो स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल का मतलब है कि आपको पता है कि आप थोड़े से सक्सेस हो गए, आपकी धजिया उड़ रही है, जो आपको चाहने वाले हैं वो आपसे अलग हो रहे हैं, आप अकेले हो रहे हो क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे। कोई आपसे जल रहा है, कोई अफवाह बना रहे हैं, कोई आपको नीचे गिराना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो। आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, दुनिया आपका सपोर्ट करती है या नहीं करती है। कई बार हमें एक्शन ऐसे लेने होते हैं कि दुनिया के सामने मजाक बनता है, लेकिन हमें तो पता होता है ना कि हम एक्चुअल में किसमें क्या होने वाला है। बहुत बुरी हालत होती है जब हम कुछ करना चाहते हैं और दुनिया उसमें मिसबिहेव करती है। अरे ये तो बदल गया, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, आपका मजाक बनाएंगे। स्ट्रगल मतलब आप अपने आप को उस टाइम पे संभाल रहे हो। जिंदगी की ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप एकदम अकेले होगे, ऐसा आप फील होगा, लेकिन आपको 1% रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अकेला मैं खड़ा हो जाऊं, तब भी नहीं रुकूंगा। ये स्ट्रगल है, फिर भी आप अपनी रफ्तार बढ़ाते जा रहे हो, वो स्ट्रगल है। आपको किसी लड़के से प्यार हो गया या फिर किसी लड़की से, आपको पता है कि अभी जो मेरी एज है वो कुछ करने की है। ये सब छोड़कर अगर आप अपने काम पे ध्यान देते हो, वो स्ट्रगल है। अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको हिम्मत मिली तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, जिसे मुझे ये लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियो और भी बनानी चाहिए। आप कमेंट में भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए हिंदुस्तान प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आयान हिंदुस्तान प्रोडक्शन से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।